गाजीपुर के करंडा थाना क्षेत्र में 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले को लेकर सपा छात्र सभा ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अभिषेक कुशवाहा पंकज के नेतृत्व में डीएम कार्यालय पर किया गया। सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष अभिषेक कुशवाहा ने सरकार पर द्वेष भावना से कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2 साल की मासूम और नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इन दोनों मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में आज समाजवादी छात्र गाजीपुर के नेतृत्व में बुलडोजर की संस्कृति निभाने वाली सरकार से आरोपियों के घरों को जमींदोज करने की मांग की है। गाजीपुर में थाना करंडा ग्राम गोसंदेपुर में एक 2.5 साल मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला और दूसरा मामला भुरकुड़ा थाने में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में हम लोग आज समाजवादी छात्र सभा गाजीपुर के लोग मिलकर के डीएम साहब से ज्ञापन देने का काम किए हैं और जो बुलडोजर की संस्कृति सरकार लेकर आई है, जिस तरह से मामले प्रदेश के तमाम जनपदों से आए हैं दुष्कर्म के। अयोध्या में एक मामला आया जिसके आरोपी के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया, लेकिन हम लोग गाजीपुर में ये देखें कि अब मामला बहुत पुराना, लगभग 15 दिन बीत गए, प्रशासन की तरफ से गिरफ्तारी तो कर ली गई, लेकिन जो सरकार बुलडोजर की संस्कृति लेकर न्याय देने का गुहार लगा रही है, जो काम कर रही है, वो बुलडोजर उस आरोपी के घर पे क्यों चलेगा, कब चलेगा? और ये सवाल ये है कि अगर जाति धर्म के नाम पे सरकार उत्पीड़न करने का काम कर रही है, गाजीपुर में जो दोनों आरोपी हैं वो मुख्यमंत्री के स्वजाति बिरादरी से हैं, तो हम लोग इसलिए आए हैं कि जो मुख्यमंत्री की स्वजाति बिरादरी के लोग हैं इनके घर पर सरकार बुलडोजर कब चलाएगी। हम लोग इसी मांगों को लेकर आज धरना पर बैठे थे और हम लोगों ने दिया है कि बुलडोजर की तिथि जो कार्रवाई है सुनिश्चित करें, नहीं तो 1 हफ्ता बाद इसे भी बड़ा आंदोलन समाजवादी छात्र सभा करेगी।